नमस्ते दोस्तों, ये मेरी आंटी जी हैं और मेरे लिए अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ बना रही हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आता हूँ आंटी जी मुझे खिलाती हैं। आप लोग देखिए प्रोसेस, ये आंटी जी बना रही हैं। ये देखिए, ऐसे पत्ते लेते हैं घुइये का, अरबी का पत्ता, और उस पर आंटी जी ने मटेरियल रेडी किया है। दाल का मटेरियल है, बेसन दाल और पता नहीं क्या क्या आंटी जी ने डाला, मैंने देखा था मैं भूल गया, वो सब रेडी किया है इसमें आंटी जी ने। और ये ऐसे बना रहे हैं, आप प्रोसेस देखिए। आंटी जी मुझे, मेरी माँ है, आंटी जी का मतलब वो नहीं है, मेरी माँ है समझो, बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब भी आता हूँ घुइया दूध मेरे लिए पेड़े ये सब बनाती हैं। और ये देखिए आप ऐसे प्रोसेस, ये प्रोसेस हैं। और इसको वैसे गांव की लैंग्वेज में भी कुछ बोलते हैं, आंटी जी क्या बोलते हैं? इसको सेवड़ा बोलते हैं। सेवड़ा, सेवड़ा भी बोलते हैं। और मैं बस अरबी के पकौड़े समझता हूँ इसको, अरबी के पत्ते के पकौड़े। ये पूरा देखिए पत्ते हैं, ये पत्ते, और ये एक आंटी जी ने रेडी कर दिया। और ये इसका मटेरियल है, आप देखिए ये पूरा दाल मसाले और भी काफ़ी कुछ है इसमें। देखिए प्रोसेस पूरा, कितना अच्छा प्रोसेस है इसका। मेरी माता जी को बताइए कैसी लग रही हैं, ये इतनी प्यारी हैं कि इनकी जितनी भी बड़ाई मैं करूं सब कम है। ये मेरा बच्चा ऐसे ही बोलता रहता है। नहीं नहीं, जो सच है वो बोलता हूँ ना। आज के टाइम में मतलब ये मतलब इतना प्यार कौन करता है कि पेड़े शुद्ध देसी घी के मेरे लिए मक्खन बाबू ने कल रात को निकाला, तो ये सब आज के टाइम में कौन किसके लिए करता है। मेरी लाइफ में ना दो आंटियाँ ऐसी हैं कि जो मेरे लिए, अगर मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए ना, मेरे मुंह से भी अगर निकल गया कि मुझे ये खाना है, तो उस टाइम ही व्यवस्था हो जाती है। एक गोंडा में है जो कि ये है मेरी आंटी जी, और एक मुंबई में है मेरी आंटी जी जो काफ़ी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, वो भी अगर मेरी जो आंटी जी हैं मुंबई में, अगर मैं उनसे बोल दूँ मुझे ये खाना है, तो वो चीज़ चाहे वो कहीं से भी लाएंगी, कहीं से भी वो चीज़ बन जाएगी और मेरे लिए रेडी हो जाएगी। वो भी घुइये के पत्ते की पकौड़ी ना, एक अगर मैं बोल दूँ आज मुझे पकौड़ी खानी है, तो संतोष नगर मार्केट है बगल में, वहाँ से जाके पत्ते ढूंढ के लाएंगे और मेरे लिए बनाएंगे। तो मेरी लाइफ में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो मुझे घुइये के पत्ते की पकौड़ियाँ कहीं से भी ला के खिला देते हैं। आप लोग देखिए प्रोसेस, इसमें एक पत्ता नहीं लगता है, इसमें पत्तों की लेयर बनाई जाती है। एक पत्ता रखते हैं, फिर उसमें मटेरियल जो भी होता है ये लगाते हैं, दाल का मटेरियल, फिर एक पत्ता उसके ऊपर, ऐसे करके आंटी जी कितनी, 7 या 8 लेयर हो जाती है ना, 8 लेयर कम से कम बन जाएंगी। फिर ये 8 लेयर जो होती हैं उसको रोल बना देंगे, और रोल बना के और फिर इसको आंटी जी क्या करेंगे, उबालेंगे स्ट्रीम करेंगे। इसको पूरा स्ट्रीम करेंगे, स्ट्रीम के बाद अगर आपको स्ट्रीम के खाने हो तो वो भी लोग खाते हैं, और नहीं तो आंटी जी इसको फ्राई भी कर देती हैं। तो आप जिसको जैसा खाना, भैया को तो स्ट्रीम वाले पसंद हैं, भैया स्ट्रीम वाले खाते हैं, और मैं फ्राई वाले भी खाता हूँ। तो आप जैसा खाना चाहें, फ्राई भी कर सकते हैं, स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसको। और ये प्रोसेस, ये बहुत अच्छी डिश है, घुइये के पकौड़े, अरबी के पत्ते के पकौड़े, और फिर वो नाम भूल गया, क्या नाम आंटी जी? सेवड़ा। सेवड़ा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये फोल्ड हो गया, इस पर फिर मटेरियल लगेगा, ये पूरा मसाला दाल का। अच्छा आंटी जी, इसमें ये बता दीजिए, दाल है, बेसन है, और क्या क्या है, नाम बताइए। उड़द दाल है, मसूर। हाँ आंटी जी, इधर देख के बताइए। उड़द दाल है, चने की दाल है, और 2 चम्मच चावल है, इसमें चावल का आटा 2 चम्मच, और पूरे मसाले, लहसुन प्याज हींग जीरा और धनिया मिर्चा हल्दी नमक सारे मसाले, और नींबू भी डाला था आपने, नींबू का रस, नींबू का रस आपने डाला था। ये थोड़ा सा वो होता है ना, कनकनाता है तो काटता है, तो ये नींबू डाल देंगे तो उससे नहीं होगा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है।
चाहे उससे खाओ, चावल से भी अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही खाओ ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अब इसको हम ऐसे ऐसे रोज धीरे धीरे करके ये फोल्ड कर रहे हैं आंटी जी। ये देखिए प्रॉपर फोल्ड हो गया ये। और ये आपका रोल तैयार हो गया। अब ये फ्राई पहले स्टीम होने के लिए रेडी होगा, ये स्टीम होगा और स्टीम के बाद फ्राई होगा। ये आपका रोल तैयार हो गया। ये देखा दोस्तों आपने, ये आंटी जी ने रेडी कर दिया। थैंक यू आंटी जी।